हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से लास्ट 3 मंथ के एग्रीकल्चर करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम पर एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स, एग्रीकल्चर कंपिटेटिव एग्जाम्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप किसी एग्रीकल्चर कंपिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंडिया इज़ कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई विच ईयर? भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी? इसका उत्तर आपका हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो आपका 2 फरवरी को, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और जो फर्स्ट टाइम पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था ये आपका 1971 में रामसर ईरान में मनाया गया था। इस ईयर की जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो आपकी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये थीम है। और करंट टाइप पर इंडिया में 49 वेटलैंड साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी कम अप टू विच स्टेट? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड पल्सेस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? जो आपका विश्व दलाहन दिवस है ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में। तो जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये फर्स्ट टाइम 2019 में मनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तब से हर साल वर्ल्ड पल्स डे 10 फरवरी को मनाते हैं। और इस ईयर की जो थीम है वो है आपकी पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। दोस्तों, अगर आप IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म पर आपको इसका अफोर्डेबल प्राइस पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको 10,000+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 50 फुल लेंथ टेस्ट और ओल्ड पेपर और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा इसी पैकेज में। कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको केवल 1500 रुपये। आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एग्रीकल्चर GK ऐप और वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? नाबार्ड के द्वारा जीवा नाम का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है प्राकृतिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू रिप्लेस डीजल विथ रिन्यूएबल एनर्जी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय विच ईयर? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को
नवीनीकरणीय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2024, 2024 तक जो है केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने 2022 को इंटरनेशनल ईयर फॉर आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिक्लेयर किया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। और अगर बात की जाए जीवा स्कीम के बारे में नाबार्ड की, तो नाबार्ड ने जो जीवा नाम की स्कीम है इसको 9 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू बिकमिंग आ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू ट्रांसफर द शिप फार्मिंग सेक्टर? जम्मू और कश्मीर की सरकार ने भेड़ पालन क्षेत्र में बदलाने भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उसने न्यूजीलैंड के साथ में पार्टनरशिप की है, और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ये लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाएंगे, और जो जम्मू कश्मीर की सीप की ब्रीड्स हैं उनका क्रॉस कराया जाएगा न्यूजीलैंड की ब्रीड से, और इस तरह से जो सीप ब्रीडिंग है इसको प्रमोट किया जाएगा, और अधिक से अधिक सीप फार्मिंग से कैसे प्रोडक्शन मिल सके, कैसे फार्मर को बेनिफिट हो सके, इसके लिए पार्टनरशिप की गई है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा और न्यूजीलैंड के द्वारा। बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, जिसके चेयरमैन कौन हैं? विनय कुमार राय, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। ये इंडिया की फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है जो कि आपकी सिरोरा विलेज ऑफ गाजियाबाद से लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ दी यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो अफगानिस्तान है जो एक करंट टाइम पर आपका तालिबान बन चुका है, इसको जो व्हीट की सप्लाई है उसको करने के लिए भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई विच बैंक टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम? खाद्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम आपका जो यस बैंक है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इफको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 3000 रुपीज़, बट करंट टाइम पे कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है। ये कोर्स आप 2400 रुपये में बाई कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन पर दिए हुए कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपका ये कोर्स 2400 रुपये पड़ेगा। हमारे कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए रहेंगे, और क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको जिसमें 10,000+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और लास्ट 5 ईयर के ओल्ड पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इफको AGT एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा प्री मेंस और इंटरव्यू का श्योर सिलेक्शन बैच है, और एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम सिलेक्शंस हुए हैं इफको AGT में।
तो आप भी अपना सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से इसका कोर्स इनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप और वेबसाइट की लिंक दे दी गई है, वहाँ से इस कोर्स को बाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी विल इनागुरेट गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन विच सिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी किस शहर में गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इंदौर में। इंदौर आपका भारत की सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 2022 विच एडिशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। 2022 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 7th। ये जो है सॉइल हेल्थ कार्ड डे का आपका जो है ये 7th एडिशन है 2022 में। अगर बात की जाए सॉइल हेल्थ कार्ड डे के बारे में, तो सॉइल हेल्थ कार्ड डे हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है, और 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था, तब से इस डे को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर, इट इज एसोसिएटेड विथ द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बैंगनी क्रांति शुरू की है, या किस फसल की खेती से संबंधित है? तो इसका संबंध आपका लेवेंडर की कल्टीवेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द किसान ड्रोन यात्रा विच वॉज इनागुरेटेड वर्चुअली बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन की गई किसान ड्रोन यात्रा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मनेसर। जो किसान ड्रोन यात्रा है, ये एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने 100 किसान ड्रोन डेवलप किए हैं, और ये 100 किसान ड्रोन इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे जो है दिए गए हैं, और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी स्टार्ट किया गया है, बाद में इसे पूरी कंट्री में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेल्थ स्टार रेटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका हेल्थ स्टार रेटिंग है, ये किस संगठन की पहल है? ये आपकी FSSAI की पहल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है, इसकी ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व वन जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसको हर साल 3 मार्च को मनाते हैं, और इस ईयर की थीम क्या है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन इट्स बजट 2022-2023। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन सा है, क्योंकि जो आपके ऊंट होते हैं ये आपके राजस्थान में ही पाए जाते हैं, और ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो कि इसका उत्तर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ही होगा। राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो कैमल है उनके प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी लाई है अपने बजट में 2022-23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वुमेन्स वर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार 2021। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया?
तो 14 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैज साइंड अ पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। किस राज्य सरकार और नाबार्ड ने मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है और नाबार्ड ने मिल करके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उड़ीसा राज्य में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना देश का पहला राज्य बन चुका है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज बींग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को हर साल मनाते हैं, 21 मार्च को आपका हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, तो इसको 21 मार्च को हर ईयर मनाते हैं और इसको 2022 की जो थीम है ये आपकी फॉरेस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है इसको फर्स्ट टाइम 2012 में मनाया गया था 21 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड वाटर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो आपका विश्व जल दिवस है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डे ऑफ द ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व में वर्ष के किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका 23 मार्च को हर साल वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे के रूप में मनाते हैं। बात कर लेते हैं इन दोनों डे के बारे में विस्तार से, तो जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है ये आपका 22 मार्च को हर साल मनाते हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1992 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। फर्स्ट टाइम इसको 22 मार्च 1993 में सेलिब्रेट किया गया था और इस ईयर की थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट आपका क्या है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे। जो आपका वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे है ये हर साल 23 मार्च को मनाते हैं और इसको जो है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वाज हेल्ड ऑन 23 मार्च 1961। 1961 को पहली बार 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया था और इस ईयर की थीम क्या है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ये जो है 2022 की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम है। बात की जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एशियास लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज एट विच प्लेस। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द विनर ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर 2022। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो विल्फ्राइड ब्रुसर्ट इसके विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है नेशनल वाटर अवार्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर रेणु सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। डॉक्टर रेणु सिंह को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन्य अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI देहरादून, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, तो इसी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया इन 2021 टू 2022? कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का फलों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो जो आपका आंध्र प्रदेश है ये फल उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पर आता है। बात की जाए वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल को पीछे कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। अब करंट टाइम पर उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है। बट अगर बात की जाए फ्रूट प्रोडक्शन की, तो फ्रूट प्रोडक्शन में अभी भी आंध्र प्रदेश ही आता है इंडिया में नंबर वन पर। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया इन 2021-22? कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है आपका? विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना विथ एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज 10 करोड़ फॉर द स्कीम? किस राज्य ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी योजना बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसने जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। बात की जाए कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो जो आपका हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी है इसको बहुत ही जल्दी यूरोपियन कमीशन ऑफ जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग का GI टैग मिलने वाला है। इससे क्या होगा? इससे जो कांगड़ा टी है इसको यूरोपियन मार्केट में इंटर करने में आसानी होगी और वहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और वहाँ की मार्केट में आप इसको बेच पाओगे। और जो कांगड़ा टी है हिमाचल प्रदेश की, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2005 में मिल गया था। 1999 से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा टी की कल्टीवेशन की जाती है वहाँ के फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने प्रकृति हरित पहल शुरू करने की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप लार्जर स्टेट इन नीति आयोग्स स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? नीति आयोग की राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में शीर्ष बड़े राज्यों में किस राज्य को स्थान मिला है? तो गुजरात ने इसमें टॉप किया है इस इंडेक्स में। बात की जाए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो जो आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो ऑरेंज है उसको अब नई आइडेंटिटी मिल चुकी है, उसको नई पहचान मिल चुकी है। अब जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऑरेंज होंगे इनको सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मिलने से वहाँ के जो ऑरेंज ग्रोवर्स हैं उनको अपने ऑरेंज को मार्केट में सेल करने में काफ़ी आसानी होगी और ये अपने ऑरेंज को एक नई पहचान के साथ एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन सिटीज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड
के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है, इसके द्वारा मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022, अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? सिंगापुर जो है इसकी मेजबानी करेगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट द अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2021 विच इज द हाईएस्ट एवर फॉर इंडियन हॉर्टिकल्चर, 2020-21 के दौरान बागवानी उत्पादन कितना है? भारतीय बागवानी के लिए अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है जो कि, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3,310.5 लाख टन। अगर बात की जाए वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में, तो जो आपका वर्ल्ड अर्थ डे है ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस ईयर की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। 2022 वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट, और जो वर्ल्ड अर्थ डे है इसको फर्स्ट टाइम 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सी वीड पार्क विल बी सेट अप फॉर लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इन विच स्टेट, मत्स्य मंत्रालय द्वारा मछुआरों के लिए आजीविका के लिए एक समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा एक सी वीड पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा वहाँ के फिशरमैन के लिवलीहुड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल पंचायती राज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो आपका नेशनल पंचायती राज डे है इसको हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं, और जो आपका पंचायती राज है ये 3-tier सिस्टम होता है, और बलवंत राय मेहता की कमेटी के रिकमेंडेशन पर पंचायती राज भारत में लाया गया था। अगर बात की जाए नेशनल पंचायती राज डे के बारे में, तो इसको जो है आपका हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और फर्स्ट टाइम पर इसको जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने 2010 में स्टार्ट कराया था, तब से हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, UNEP हैज़ नेम्ड होम एज द रेसिपियंट ऑफ चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2021 अंडर द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के तहत चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया है? तो जो आपके डेविड एटन बरोग हैं इनको जो है नामित किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच विलेज हैज़ बिकम द नेशनल फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाई सोलर एनर्जी, कौन सा गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो जो आपका पाली विलेज है सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, ये जो है देश का पहला गांव बन गया है जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेटेड एनुअली, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो जो आपका वर्ल्ड वेटरनरी डे होता है इसको हर साल
लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, जो आपका अप्रैल का लास्ट सैटरडे होता है उस तारीख को मनाते हैं। तो जो आपका 2022 है इसमें जो आपका लास्ट सैटरडे है ये 30 अप्रैल को पड़ा था, तो इसलिए 30 अप्रैल 2022 को ये डे मनाया गया था। अगर बात की जाए वर्ल्ड वेटरनरी डे 2022 के बारे में, तो इसकी थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रिसाइलेंस, ये इसकी थीम है। और जो आपका वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन है इसको क्रिएट किया गया था 1959 में एनिमल हेल्थ और वेलफेयर के लिए। वर्ल्ड वेटरनरी डे को वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन द्वारा 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। सन 2000 से हर साल जो है अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ये वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।